अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे बिट्टी जल्दी कर, लेट हो रहा है बहुत, कहाँ है? अरे हमारी बहन बिट्टी, ये चांदी के राखी का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे, वो हमेशा की तरह धागे वाली बांध दे, वो अच्छी है। अरे क्यों बांध दे धागा, अब हम कोई गरीब है का? आप भी ना भैया कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो कि बहन का दिल छलने छलने हो जाए। दुनिया की हर बहन का सपना होता है कि अपने भाई की कलाई पर चांदी की राखी बांधे, और अब जब राम जी ने हमें यह अवसर दिया है तो कहां पीछे हट जाएं? ऐसी गई गुजरी भी ना है आपकी बिट्टी। हाँ पर आपको बहन की पड़ी ही कहां है, आपको तो जब देखो जब रानी रानी रानी। अरे आपने खुद ही दिया है रानी को मालिक के हाथ, और मुंह हमसे भुलाए रखता है जैसे हम ही ने कहा हो जाने के लिए है। अब ये रोना गाना हो गया हो तो कर ले राखी। हाँ हाँ बेटी हाँ कर ले। हेलो दोस्तों, जे हम हैं और जे हमारे भैया, और आज है राखी का त्योहार, और इस साल हम अपने भाई को बांधने वाले हैं चांदी की राखी। ये क्या कर रही है बिट्टी? रक्षाबंधन का त्योहार है, कोई 26 जनवरी का परेड थोड़ी ना है कि सारी दुनिया को दिखा रही है। अच्छे से त्योहार मना ले। हाँ रख दे। दुआ के घर में सब होता है, सिर्फ बातें नहीं होती। बिटिया, बुआ ने बोला है ना कि सिम कार्ड डलवाएगी तो रानी बिटिया से बात करवा देगी, तो बात कर लेंगे, है ना? कब फिर... से नहीं देखा रानी दीदी को। अब हम दोनों बात करेंगे, है ना बेटा? हाँ बेटिया। आ गया आ गया, हमारे घर का पास वाला नाला आ गया। बारिश में जब जब भर जाता है ना तब इसमें आवाज आती है कल 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 कल। अरे रे जा कहाँ रहे हो? खेत में बिट्टी। त्योहार के दिन भी? कम से कम आज के दिन तो छुट्टी ले लेते भैया। किसानों और जवानों की कभी छुट्टी नहीं होती, देश और खेत दोनों की सुरक्षा 24 घंटे करनी पड़ती है। हम जा रहे हैं। अरे अरे कौन हो आप और कहाँ चली आ रही हो? मैं वो अरे बुआ भैया पियो, फोन के अंदर देखो मैं हूँ मैं। रानी कैसी है? रानी दीदी पीहू। रानी दीदी अब घर कभी आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी, पर घर अभी नहीं आ सकती इसलिए तो फोन से आ गई। राखी के त्योहार के लिए पापू का है आंटी, फोन घुमाना इधर उधर। रानी हमारी बच्ची, हमारे जिगर की छल्ली, हमारे कलेजी की टुकड़ी, कैसी है तू? आप तो कितनी सुंदर लग रही हो बुआ, एकदम सजी धजी गुड़िया के जैसे। गुड़िया? गुड़िया तो तू है। गुड़िया गुड़िया तू है परी की गुड़िया। पापू का है, उन्हें
खुलाउंडे सामने। अरे वो तो खेत निकल लिए। कह रहे थे किसानों को कभी छुट्टी नहीं होती। तो क्या उनसे बात नहीं हो पाएगी? ना। रानी बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तो क्या हुआ अगर पापू नहीं है? बाकी सब तो है ना, उनसे तो बात हो गई ना। पापू से बाद में बात कर लेना। अब राखी बांध दो। सही कह रहे हो मालकिन, पापू ने मिले ना, बाकी सबसे तो मिल लिया। और राखी भी कर सकते हैं। रानी, ये गुड़िया क्यों नहीं बुला रही है? रानी, क्या मालिक को पता है कि तू राखी के त्योहार पे हम लोगों को स्पेशल वीडियो कॉल कर रही है? इसको क्या मतलब है सबसे? कहीं महिन जी ने तो नहीं कहा? क्या पता पैसे दिए हो इन सब पर नजर रखने के लिए। एक सेकंड रानी, मुझे फोन दो। आओ इधर बैठो। हाँ, कुछ कह रही थी आप? नमस्ते मालकिन। नमस्ते। सिर्फ मालिक से ही बात करनी है कि मालकिन भी चलेंगी? कर सकते हैं आप बात मालकिन से? नहीं तो मैं मालिक को बुला लेती हूँ और ये भी कह देती हूँ कि आप उल्टा जवाब दे रही थी हमें। नहीं 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 मालकिन, ऐसा कतई नहीं है। और भला हमारी हिम्मत जो हम आपसे सवाल जवाब करें है? हम तो बस यूं ही छुटकी से पूछ रहे थे। आप गलत समझ रही हैं। वो कहा है ना मालकिन, बच्चे मन के चंचल होते हैं और हमें ऐसा लगा कि घर में इसको कोई का फोन मिल गया हो और ये बिना पूछे हमें फोन मिला दी। तो वो कहा है ना, फिर ऐसा करने से सब पछताए ना, बस इसीलिए। हाँ, वो क्या है मालकिन कि इनकी माँ तो है नहीं, अब सब सही गलत हमें ही सिखाना पड़ता है ना। बस हम तो इसीलिए कह रहे थे, और कुछ नहीं। हाँ चलो राखी, राखी कर लेते हैं। रानी आजा बेटा, चको पियो, चलो राखी कर लेते हैं। राखी मालकिन, बहुत अच्छा लगा। पापू से बात नहीं हुई तो भैया और पीहू के साथ राखी हो गई। आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया। राखी का बंधन अनमोल, भैया जल्दी आना। राखी का करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? नहीं, मुझे जैसा करना होगा मैं वैसे ही करूंगी। परी, ऐसा नहीं करते बेटा, आरती करनी है और ढंग से करनी है। हाँ, सीखो। पता है मुझे आप दे दो। हाँ हाँ परी बिटिया, तुम ही करोगी है? शुक्ला परिवार में इतनी पीढ़ियों के बाद बेटी आई है, अब थोड़े नखरे तो उठाने पड़ेंगे इसके। है जब परी नहीं थी तो पापा चाचू को कौन राखी बांधता था? दादी बंधवाते ही नहीं थे किसी से। हमारे यहाँ तो बुआ भी बांध देती है और बेटी भी, तभी तो बंधवाते हैं परी से दोनों।
परी चाइल्ड जल्दी जल्दी से टाई कर दो राखी, फिर स्वीट्स भी तो खाने हैं ना। भाग्य तुम्हारा बहुत प्रबल है परी बिटिया, साक्षात कृष्ण जी को राखी बांध रही हो। ये राखी तो बंद ही नहीं रही है। अरे हम मदद करते हैं तुम्हारी। हाँ अय्या, इतनी आसान है, कैसे नहीं बन रही है? आओ चलो हाथ लगाओ। हाँ ऐसे। बहुत बुरी आदत है छे परी की, जरा सा भी कुछ करती है उसके बीच में ही छोड़ के फेंपे करने लगती है। राखी जन्माष्टमी तक चलती है, तो सोहम चाचू जब आएंगे तब उनको राखी बांध देना आप। आ जाता तो अच्छा था, कितने दिन हो गए उसको देखे हुए। मॉम जी, भोपाल इतना दूर भी नहीं है, सोहम आ जाता तो अच्छा रहता, पर आपकी आंखों में ना सिर्फ मॉइस्चर में अच्छा नहीं लगता, वो भी सोहम के नाम पर। सबसे छोटा और सबसे लाडला है हमारा, कितने दिन हो गए उसको देखे हुए, बस इसीलिए हमारी आंखें नम हो रही है। बेटा आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो दादी के साथ, ऐसे नहीं बात करते, और ये पूजा की थाल है, ऐसे नहीं पटकते पूजा की थाल को, बैठ कर। तो फिर दादी ने क्यों बोला कि सोहम चाचू उनके लाडले हैं? है ही वो सबसे छोटा और हमारा लाडला। अरे तू अकेली थोड़ी है, है? नहीं दादी, मैं ही हूँ सबसे लाडली, मुझे ही बनना है। नहीं मैं ही हूँ। ए परी बेटा, ना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। तो फिर आप दादी को बोलो ना कि सबसे छोटे और सबसे लाडली मैं ही हूँ। ओके, सभी परिवार वाले सुन लो प्लीज, कि शुक्ला परिवार की सबसे लाडली अगर कोई है तो हमारी परी बिटिया है। हैप्पी नाउ? ऐसे क्यों करती है परी कभी कभी, हमेशा तो अच्छी रहती है, पता नहीं बीच बीच में कोई भूत घुस जाता है इसमें। जे मालकिन को लेके हमारे मन में शक का है आ रहा है राम जी, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, का करें? मालिक को फोन लगाएं कि ना लगाएं? लगाएं कि ना लगाएं? Thank you.
ससुराल में सारे रिश्ते पति के साथ जुड़े होते हैं, उसी से बैर रखोगी तो अकेली पड़ जाओगी। कलेश होगा और पाप लगेगा सो अलग। अरुणी, अरुणी मालती कहाँ है? मालती? हमारी सहेली मालती? पता नहीं कहाँ है। कमाल है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है और आप ही को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। पता करो कि वो कहाँ पर है, शहर में है या फिर शहर से बाहर गई है रक्षाबंधन के लिए। कहीं महेंद्र जी को पता तो नहीं चल गया कि हमारी दोस्त मालती गांव जाकर रानी से उसके परिवार के साथ बात करवा दी। पता नहीं महेंद्र जी, बहुत वक्त हो गया, बात नहीं हो पाई उसे, हमें पता नहीं कहाँ है। तो पता करो, फोन करो, लगाओ फोन। पर वो अचानक से मालती से क्यों बात करनी है, किस लिए? उसके पति की स्टेशनरी की दुकान कम चल रही थी ना, तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम उसके पति को एक बड़ा ऑर्डर दें, यही नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, शॉपर वगैरह वगैरह वगैरह। ये कैची पक पीआर वाले का फोन आया था, उसे एक अच्छी पॉजिटिव स्टोरी चाहिए न्यूज़ के लिए, तो हमें लगा कि हमारा काम भी हो जाएगा और किसी की हेल्प भी हो जाएगी। और बड़ी कमाल की टैगलाइन दी है उसने, माँ सरस्वती के सच्चे स्नेही सुसंस्कृत सम्मानित शुक्ला परिवार। और यूनिफॉर्म काट। लेकिन रोहिन लॉजी, हम इतनी सारी स्टेशनरी और नोटबुक्स का करेंगे क्या? गरीबों में बांटेंगे और पुण्य कमाएंगे भाभी। चलो एक काम करो, फोन करो और अपने हिसाब से तुमको जो भी ऑर्डर देना दे दो, मैं चेक काट कर रख दूंगा। वाह महेन वाह, खुशी और गर्व महसूस होता है जब तुम्हारे मुंह से ऐसी गौरवान्वित बातें सुनता हूँ। तब लगता है कि क्या बनाया है हमने तुम्हें। वाह, जवाब नहीं है हमारा, वेरी गुड। वाह, सही कह रहा है उपेन, बहुत ही अच्छी तरकीब निकाली है तुमने अपनी छवि बनाने की। नाम ना चांदी के बर्तन की तरह होता है, अगर घिस घिस के चमकाओ नहीं ना तो काला पड़ जाता है। कितनी विचित्र बात है, रानी का हक छीन कर पूरा परिवार जिला को साक्षर करने चला है। पर इतने सारे पुअर पीपल हैं कहाँ हमारे आसपास? भाभी, हमारे घर के पीछे वाली गली में टाट पट्टी वाला स्कूल जो गरीबों का है, बस वहीं पर। ये तो बहुत अच्छा है, हम एक काम करते हैं, हम कल खुद जाते हैं वहाँ पर और खुद ही दे आते हैं। मेरा मतलब है कि हम अगर खुद जाकर वहाँ पर देकर आएंगे तो अपने हिसाब से पर्सनल टच भी हो जाएगा ना, और वहाँ से फोटो जो खींचेंगे वो मीडिया के लिए भी हो जाएगा। अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको हमारा भी ख्याल है। ठीक है, आप किसी को लेकर जाइए, पर फोटो खिंचाने से पहले पैकेट पर लिखवा दीजिएगा कि डोनेशन बाय महेंद्र प्रताप शुक्ला। अब देखिए गुड़िया रानी टीवी से पहले दंगल प्ले ऐप पर।